सूबे में योगी सरकार बनने के बाद से ही जिलों, शहरों, गलियों, चौराहों के नाम बदलने का सिलसिला जारी है। खुद मुख्यमंत्री योगी भी उत्तर प्रदेश के शहरों, कस्बों के नामों को मुस्लिम शासकों, आक्रांताओं के नामों से हटाकर हिंदू व्यक्तित्वों के नामों पर रखने की बात कई बार कर चुके हैं और इस पर अमल भी किया गया है। अभी हाल ही में फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलते हुए अयोध्या कैंट किया गया है। इससे पहले इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज, फैजाबाद जिले का और मुगल सराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय नगर किया ही गया था कि अभी वर्तमान में मुजफ्फरनगर और आगरा का नाम बदलने की मांग औपचारिक रूप से सामने भी आ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रकाश द्विवेदी ने भी सीएम से इसको लेकर चिट्ठी लिख अपने जिले बांदा का नाम महर्षि वामदेव के नाम पर रखने की मांग की है। सीएम योगी से पहले की सरकारों ने भी नामों को बदलने की इस राजनीति को खूब बुनाया था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नाम बदलने की मांग उठने लगी है और ये मांग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सामने रखी गई है। दरअसल मामला ये है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के दो दिन के दौरे पे हैं, जहां पर उनको पहले ही दिन के कार्यक्रम में बड़ा प्रस्ताव मिल गया। निराला नगर के एक होटल में नमस्ते लखनऊ विद राजनाथ सिंह कार्यक्रम में राजनाथ सिंह शामिल हुए थे, जिसमें ये प्रस्ताव रखा गया है। यूपी की राजधानी लखनऊ का नाम बदलने को लेकर एक बार फिर से ये टॉपिक गहराता जा रहा है। ये मुद्दा देश की जानी मानी लेखिका और पद्मश्री से सम्मानित साहित्यकार विद्या बिंदु सिंह ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लखनऊ का नाम बदलने का अनुरोध किया है। उनके इस अनुरोध पर राजनाथ सिंह ने कुछ चकित से हो गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में प्रबुद्ध जनों के सवालों का जवाब दे रहे थे। इसी क्रम में विद्या बिंदु सिंह ने उनके समक्ष प्रस्ताव रखा है कि अब लखनऊ का नाम लखनपुरी कर दें। उन्होंने आगे कहा कि विद्या बिंदु सिंह ने इस दौरान उनसे लोक विरासत को विषय के रूप में पढ़ाए जाने का भी अनुरोध किया है। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लखनऊ के इस कार्यक्रम में जाने माने विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के कुलपति और प्राचार्य भी आए थे। इसी दौरान एक वक्ता ने रक्षा मंत्री से कहा कि आउटर रिंग रोड बनने से ज्यादा समय लग रहा है। रक्षा मंत्री ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा कि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमसे जितनी सख्ती से कहना था हमने कह दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मुझे ये बताया गया है कि परियोजना से जुड़े दो बड़े ठेकेदारों ने हाथ वापस खींच लिया है, जिससे दिक्कत आ रही है, लेकिन जितनी जल्दी हो सकेगा अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।